Good morning class. My name is Nilbar Singhvist and let's continue our topic trigonometric ratio of complementary angles. Okay, and the question number is 12. And here is also complementary. So complementary की सबसे best tricks है. या तो वो cancel हो जाएंगे. Okay. Otherwise या वो identity में convert हो जाएंगे. Mostly questions में अगर square आता है, cos square, sin square, tan square, mostly में तो वो identity form में कन्वर्ट होते हैं. ओके, हमको यहां चेक करना है कि किसका सम 90 है, उसमें से वन चेंज होगा. सपोज 4 है, तो अगर 4 है तो उसमें 2 चेंज करेंगे और 2 को चेंज नहीं करेंगे. क्लियर? अगर 5 आ गए तो 5 में एक नोन गिवन होता है 1045, 1060, उसमें 2 चेंज होंगे और 2 चेंज नहीं होंगे. क्लियर? और वही है साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक. सी नाउ स्टार्ट. हियर द कॉट 31. सी 31 में सम करने पर 90 किसमें आ रहा है? 31 एंड 63 90 हो रहा है. नो, 31 59 90 हो रहा है. यस, इट मींस बोथ आर द सम इज 90. इन दोनों में से एक चेंज होगा, किसी को कर लीजिए. नेक्स्ट इज, तो वन चेंज करते हैं डायरेक्टली. इन सीधे चेंज 90 सम आ गया, वन चेंज. कॉट, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री यस, कॉट का यस साइन, कॉट का 10, 10 का कॉट, तो कॉट कन्वर्ट इन 10 कन्वर्ट हो गया. अब इस एंडिंग को 90 में से माइनस कर देंगे. कॉट का 10 फिर नॉर्मली 90 में से सेम एंडिंग माइनस. मैंने प्रोसेस कर लेंगे, चेंज हो गया. अब नेक्स्ट पे रहे 10, 15. 15 का सम किससे हो रहा है? यस, इससे हो रहा है. इन दोनों में से इसको चेंज करेंगे, किसी भी को कर लेंगे. एक दिन 10 का यस कॉट, कॉट 19 में से माइनस करेंगे सेम है, सिंपल सी रूल से. ओके, नेक्स्ट कॉट 27. कॉट 27 वेयर द सम? यस सी. नाउ इन बोथ में से एक को चेंज करें. इट मींस देखिए 3 स्टार्टिंग में चेंज किए हैं और 3 लास्ट में चेंज नहीं करेंगे. क्लियर? नाउ cot 27 इज cot का 10, cot का 10 90 माइनस व्हाट? सेम है. क्लियर? सिंपल, 3 चेंज, 3 एज इट इज. नाउ एज इट इज क्या रहेगा आपका? 10 75 cot 63 एंड कॉट 59. क्लियर? नाउ सिंपल थिंग्स, 10 90 माइनस 31 हाउ मच? 10 1 9 एंड 8 3 5. 350 एंडिंग पर वो है लास्ट में, वो रेसिपी को कर लेगा. नेक्स्ट कॉट 90 माइनस 50 इज 75. ओके, नेक्स्ट cot 90 माइनस 27 इज 63. 33 आ गया. नाउ सी क्या ये एंगल आगे नहीं आ रहे? तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी, नाउ दिस इज व्हाट? 10. ओके ओके, सो देखिए जो भी एंगल आ रहे हैं, क्या वहां पर एंगल आ रहे हैं? यस. तो जो नेक्स्ट वैल्यू होगी सब मल्टीप्लाई में, इट मींस ये कैंसिल होंगे. कैंसिल तभी होंगे जब उसका रेसिप्रोकल होगा. तो नाउ जो वैल्यू गिवन है आप उनको रेसिप्रोकल कर देंगे. कैसे रेसिप्रोकल करते हैं? यू नो इट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड दिस इज सोना साई चांदी कॉस एंड टेन तोले. साई कॉस टेन, टेन का रेसिप्रोकल व्हाट? तो कॉट का रेसिप्रोकल कौन होता है? 10 एंड 10 का कॉट. जो 10 आए हैं इसको आप यूं लिख दें 1 अपॉन कॉट 7. क्यों लिखा? देखिए यहां पर कॉट आ रहा है. यस, तो 3 में कॉम्प्लीमेंट्री और 3 में रेसिप्रोकल. कॉट का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 10 63 एंड 1 अपॉन 10 15. सिंपल. And they all are cancelling 1059 cancel 1059 1063 cancel 1063 and this one cancel this one. So that's why answer is 3 into 1, this means 3. And the
Here we will use the entry to mention 10, 90 minus theta is what? Tan the cot theta. And for 90 minus theta, cot to convert tan theta. And tan theta is reciprocal of cot theta. Our entry is compulsory, so have a look, not a problem. Okay, class, let's solve one more question. Question number is 14. Okay, and very important question. इसमें से 4 marks का question at least compulsory ये board में आता है. Okay, simple से things है. Complementary cancel होंगे या वो INT होंगे. Square होगा तो INT होंगे. Okay, here is square. No, see. तो cos 70 20. Sum 90 किसी को change करनी है. ऊपर वाले से करने. Cos का yes sin. But फ्री में नहीं होगा. 90 में से वही angle minus होगा. 90 minus. Cos का sin and 90 में से माइनस कर रहे हैं. ओके सिंपल. एंड जब इसको चेंज कर दिया तो जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसको चेंज नहीं करते, एक ही चेंज होगा. नाउ हियर द cos 55 एंड द cos 35 इन बोथ सम लेके 55 और 35 इज 90. यस, तो वन चेंज. cos का कन्वर्टिंग यस sin एंड दिस इज 90 माइनस 55 डिग्री. ओके एंड नाउ दिस इज सेम एज cos से 35 डिग्री एंड हेयर 10 फाइन एंड सी वेयर द सम इज नाइन. हेयर काउंट 1, 2, 3, 4, 5. तो मैंने कहा 5 होंगे उसमें एक नोन वैल्यू होगी. सी 10 फॉर 10 नोन इट मींस 2 चेंज होंगे और 2 चेंज नहीं होंगे. ये जैसे बोल रहे क्लियर. सो 10 फाइन 10 का कन्वर्ट गॉट 90 माइनस सेम एंगल. ओके नेक्स्ट अगेन 10 कन्वर्टिंग यस गॉट 90 माइनस इज 25. सिंपल सी बात है. 10 का cot 90 में सेम एंगल. 10 का cot 90 में एंड यू नो इट 1045 इज व्हाट या दिस इज वैल्यू इज 1. दैट्स व्हाई दिस इज 1065 नो चेंज एंड दिस इज 1085. ओके नाउ सी साइन 90 माइनस 70 इज 20 डिग्री. यस दिस इज आल्सो 20 डिग्री. प्लस साइन 90 माइनस 55 यस सेम वही एंगल आ रहा है. दिस इज व्हाट यस साइन 35. नाउ सी 35 भी आ गया इट मींस ये कैंसिल हो गया. तो कॉस से कितना रेसिप्रोकल आ अभी आप भूल जाए तो जो यहां पर लिखा होता है मोस्टली उसी का रेसिप्रोकल होता है. तो जो अगर एंगल आपका सेम है तो कॉस से कितना रेसिप्रोकल आ साइन 35. ओके नाउ cot 90 माइनस 5 यस 85 इनटू cot 90 माइनस 25 सी एंगल व्हाट 65. सी नेक्स्ट एंगल आ रहा है 85 65. यस तो ये वैल्यू कैंसिल कर लेगी तो रेसिप्रोकल 10 का रेसिप्रोकल यस 1 अपॉन cot 65 एंड दिस इज आल्सो 1 अपॉन cot 85. एंड ये वैल्यू कहां से आ रही है ये तो सीखा आपने. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड दिस इज साइन cos 10 cot sec एंड cosec को cosec साइन कर सकते हो. क्लियर. नाउ दे आर कैंसिल और नॉट यस साइन 20 कैंसिल दिस इज 1 cos sin 9 कैंसिल देयर दिस इज आल्सो 1 cot 85 कैंसिल cot 65 कैंसिल 1 अपॉन 1 this means 1 plus 1 this means 2 and here if you use the identity so mention the identity in front of the question. Sin 90 minus theta is sin ka yeah, sin ka cos cos ka sin and one more yes cot 90 minus theta is yes cot ka 10 theta and the reciprocal is cos theta is 1 upon sin theta. Sufficient है इतने दिन. Okay, now what up? Okay, dear student, and question number 15 and question number 13 and 16 is the homework
And that's all for today. Thank you and have a nice day.